आज दतिया में प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक में शासकीय जमीनों के अतिक्रमण हटाने और लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रीतम्बरा विशंति गृह में भगवान शिव का अभिषेक किया और भगवान राम जानकी को माला पहनाई और सभी देवताओं को प्रणाम करके विश्रांति गृह में प्रवेश किया। वहां पर विश्रांति गृह एवं पुस्तकालय के ऑनर एमएल सोनी, विधायक पति संतराम सिरोनिया, नगर अध्यक्ष नाहर सिंह और कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी मंत्री का मंच पर जोरदार स्वागत किया। मंत्री गोविंद सिंह ने पीताम्बरी विश्रांत गृह में स्थित पुस्तकालय की किताबों से सभी को ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद मंत्री गोविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दतिया कलेक्टर रोहित सिंह, दतिया एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती, दतिया डीएफओ प्रियांशी राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मीडिया ने जब मंत्री गोविंद सिंह जी से बात की तो उनका कहना था किसानों के विवादित नामांतरित बंटवारे का 29 फरवरी तक निराकरण हो जाएगा और कैंप लगाकर शासकीय अधिकारी उनके मालिकाना हक के दस्तावेज उनको सौंपेंगे। उन्होंने डॉक्टर की कमी को लेकर कहा कि धीरे धीरे डॉक्टर की कमी दूर करेंगे। किसानों के जो नामांतरण बंटवारे बिना बात के वो वर्षों से भटक रहे हैं, 10-10 5-5 साल से। 29 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की है, जो विवादित नामांतरण बंटवारे हैं उनको छोड़कर, जिनमें कोई विवाद नहीं है, वह 29 फरवरी तक अंतिम रूप से उनका निराकरण हो जाएगा और कैंप लगा के शासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधि उनके मालिकाना हक का दस्तावेज उनको सौंपेंगे।